अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। पहले हम देखेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है, बताना है हमें, एक्सप्लेन करना है हमें। तो इसमें अब हम करेंगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व एक्सप्लेन करते हुए बताना हमें। तो पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, फिर हम इस सेकंड पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, ठीक। और दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक। ये दो नंबर्स हैं और बताना है हमें कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स देखो अब क्या होता है, पहले मैं उसी को ही बता दूं। कॉम्पोजिट नंबर्स जो हैं कॉम्पोजिट नंबर जो होते हैं उनके जब दो से ज्यादा फैक्टर बनते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे 6 ले लो, 6 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और अपने ही टेबल में आता है 6 में। 8 ले लो, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है। 10 ले लो, 10 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, फिर 6 7 8 9 में नहीं आता, फिर डायरेक्ट 10 में आता है। अब 12 ले लो, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है एंड देन 12 के टेबल में आता है। मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आपको कॉम्पोजिट नंबर के ये समझाने के लिए दिया है कि जब कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं होते हैं जो एक से ज्यादा टेबल्स में आते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं। ये तो हो गया कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर भी साथ में ही समझ जाओ आप, क्योंकि दोनों चीजें इकट्ठे समझ लोगे तो डिफरेंस भी पता चल जाएगा। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हैं, वो नंबर जो 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल है जैसे 2, 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, 3, 3 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, 7, 7 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, और 11 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। इसी तरह से 13 हो गया, 1 के टेबल में आता है और अपने ही टेबल में आता है, ठीक है। ये हो गए कॉम्पोजिट नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, देख लो ध्यान से पहले। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि एक्सप्लेन करना है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ना कॉम्पोजिट नंबर से बना है, बस यही शो करना और कुछ नहीं बताना इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम पहले इसको कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन लिया, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, क्योंकि ये 13 और ये 13 जब डिवाइड होंगे तो 1 आ गया, ये 13 और ये 13 जब डिवाइड होंगे तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ बीच में प्लस का साइन था इसलिए मैंने यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो कॉमन होने के बाद 7 मल्टीप्लाई 11, इसको तो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1 हो गया,
तो 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 और 13 मल्टीप्लाई 78। अब 78 के तो फैक्टर्स बनते हैं, ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो यस दिस पार्ट इज हैविंग कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें 5 दो बार है, देखो एक बार मल्टीप्लाई का और एक बार प्लस का, इसको भी हम कॉमन लेंगे। पहले 5 कॉमन लिया, 7 मल्टीप्लाई 6, इस 5 की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पर प्लस 5 था इसलिए यहाँ पर प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस का था ये साइन। ठीक, अब इसको कॉमन लेकर सॉल्व कर देते हैं, कॉमन से हटाकर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 से करा तो यही नंबर रहेगा, प्लस इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और यहां भी मल्टीप्लाई 1 करा तो सेम नंबर रहेगा प्लस 1। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 6 दा 42, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 दा 12 इंटू 2 प्लस 1, 542 इंटू 24 प्लस 1। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, फाइव मल्टीप्लाई 1008 प्लस 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1009, ये ऑलरेडी इतना बड़ा नंबर है, इसके तो वो बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे, तो यस दिस पार्ट इज ऑल्सो हैविंग कॉम्पोजिट नंबर्स। क्वेश्चन देख लो, बस इसमें यही सॉल्व करना था, बताना था दोनों पार्ट में कॉम्पोजिट नंबर्स आते हैं या नहीं आते, बस।